वेलकम टू कर्म एंड को एजुकेशन, स्ट्राइव टू एक्सलेंस। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कर्म एंड को एजुकेशन पे। आज हम सीखेंगे क्यूब और क्यूब रूट, किस तरीके से क्यूब निकालें। बहुत आसान मेथड मैं आपको बताऊंगा और क्यूब रूट का भी। देखिए, क्यूब निकालने के लिए मैं एक छोटा सा नंबर लेता हूँ 23। मुझे 23 का क्यूब निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है ये, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, लेकिन अच्छा क्वेश्चन, अच्छा तरीका है, आसान है। देखिए 23 का क्यूब निकालना है तो पहले 2 का क्यूब कितना होता है 8, यहाँ लिख दिया हमने। 3 का कितना होता है 27, यहाँ लिख दिया, ठीक। यहाँ 8, यहाँ 2 का क्यूब, यहाँ पे 3 का क्यूब। अब एक बार क्या करना है, इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 जा 12, यहां लिख दिया, ठीक है। और एक बार इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 2 18, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। दोबारा से बता देता हूं, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, ठीक है। फिर इसको और इस नंबर को भूल जाइए और बीच वाले दोनों नंबर्स को डबल कर दीजिए, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 36, ठीक है। बस इतना सा करना है, इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसको बस सिंपली ऐड करना है और यूनिट डिजिट लेना है हमें। यहां पर कितना है 7, ये आ गया 7, ठीक है। और ये जो 2 है ना, वो यहाँ पे कैरी हो जाएगा, यहाँ पे वो कैरी हो जाएगा। तो देखिए अब 2, 18 और 36 तीनों को जोड़ना है, 18 दो 20 और 36 56, 56 में से 6 ले लेंगे, 5 यहां पर कैरी हो जाएगा, ठीक है। 12 और 24 36, 36 5 41, 41 का 1 आ गया, यहां पे 4 आ गया, और 8 और 4 12, तो ये हमारा आ गया क्यूब 23 का। दोबारा से देखिए, दोबारा से बता देता हूं, 23 का क्यूब निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस नंबर का क्यूब करेंगे, 8 आ गया, ठीक है। फिर इसका करेंगे 27 आ गया, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, ठीक है। और 3 का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18, ठीक है। दोनों को छोड़ दीजिए, बीच वालों को डबल कर दीजिए और सिंपली ऐड कर देना। यहां पे आ गया 7, यहां आ गया 2, 18 2 20 और 36 56, 56 का 6, और यहां पर आ गया 5, 12 24 36, 36 5 41, 41 का 1, यहां आ गया 4, 8 और 4 12, ये हमारा आ गया इसका आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, 34 का क्यूब निकालना है। देखिए 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, पहले नंबर का स्क्वायर करके दूसरे से मल्टीप्लाई, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, ठीक है। अब फिर से क्या करना है, इन दोनों को छोड़ दीजिए, बीच वालों को डबल कर दीजिए, 42 और ये 72 और ये 96, सिंपली ऐड कर देना है। यहाँ आ जाएगा 4, ये 6 यहाँ आ जाएगा, 48 96 होता है 144, और 144 और 6 150, यहाँ 15 आ गया, 36 72 108, 108 और 15 123, 3 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 12, 27 12 39, ये हमारा आ गया 34 का क्यूब, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, देखिए सबसे पहले 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, इतना तो पता ही होगा, ठीक है। देन इस नंबर का स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, यहां लिख दिया, और फिर इस नंबर का स्क्वायर करके 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 ये आ गया 48, और ये 64 तो था ही। फिर बीच वाले दोनों नंबर्स को आपने डबल कर देना है, बीच वाले नंबर को डबल करने के बाद आपको सिंपली ऐड करना है, यहां से लिख दिया 4, ये वाला 6 यहां पर आ जाएगा, 48 और 96 144 होते हैं, 144 में 6 जोड़ेंगे आएगा 150, 150 का 0, ये आ गया 15 यहां पे, 36 72 108, 108 और 15 123 आएगा, 123 का 3 यहां पे 12 आ गया, 27 12 39, ये हमारा आ गया आंसर। तो अब देखिए क्यूब रूट, क्यूब रूट के लिए आपको पहले 1 से लेकर 10 तक के क्यूब और क्यूब नंबर का यूनिट डिजिट आपको पता होना चाहिए। देखिए कैसे, 1 से लेकर 10 तक के क्यूब, ये तो आपको पता ही है सबको,
ठीक है। अब जैसे मैं वन का क्यूब करता हूं तो वन आता है, यूनिट डिजिट भी क्या आता है वन। मैं सिक्स का क्यूब करता हूं, 216 आता है और यूनिट डिजिट क्या आता है सिक्स। नाइन का क्यूब करता हूं, 729 आता है, तो यूनिट डिजिट क्या आता है नाइन। सेवन के क्यूब पे यूनिट डिजिट थ्री है, एट के क्यूब पे यूनिट डिजिट टू है, टू के क्यूब पे एट है और थ्री के क्यूब पे सेवन है। तो इसीलिए मैंने इनको अलग बॉक्सेस में लिखा है कि इन चारों नंबर्स के जो यूनिट डिजिट हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। तो टू के क्यूब के लिए, टू के क्यूब के लिए यूनिट डिजिट है एट और एट के लिए है टू। टू के क्यूब के लिए यूनिट डिजिट है एट और एट के लिए है टू, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। और थ्री के क्यूब के लिए है यूनिट डिजिट सेवन और सेवन के लिए क्या है थ्री। तो ये एक तरीके से अपोजिट है, इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं आप क्यूब रूट का बड़ा आसान तरीका, इसका क्यूब रूट निकालते हैं। ठीक है, देखिए नंबर है 911 25, 911 25। देखिए सबसे पहले इसका यूनिट डिजिट देखना है, फाइव है, यूनिट डिजिट है फाइव। फाइव किससे आ रहा है? फाइव आता है आपका फाइव से, ये मैंने आपको बताया अभी अभी। फाइव किससे आता है? फाइव से। तो यूनिट डिजिट जो क्यूब रूट का होगा वो तो फाइव होगा ही होगा, क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होगा? फाइव होगा। अब यहां के तीन नंबर्स को भूल जाइए, लास्ट के तीन डिजिट्स को आप भूल जाइए, और ये बचा 91। 91 से पहले, 91 से पहले कौन सा परफेक्ट क्यूब है? 64। 91 से पहले जो परफेक्ट क्यूब है वो है 64। 64 किसका होता है? 4 का। तो ये हमारा आ गया आंसर, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 91125 किसका क्यूब है? 45 का, और निकालने का ये आसान सा तरीका। चलिए देखते हैं इसका क्यूब रूट निकालते हैं, देखिए 2 सेकंड में आप निकाल लेंगे इसका क्यूब रूट। चलिए इस नंबर का क्यूब रूट हम निकालते हैं, देखिए बहुत आसान है, 2 सेकंड में आप इसका क्यूब रूट निकालोगे। टू, टू यूनिट डिजिट है यहां पर, टू किससे आता है? एट से, मैंने आपको बताया था। तो हमारे क्यूब रूट का जो यूनिट डिजिट होगा वो तो आ गया एट। ठीक है, अब लास्ट के तीन डिजिट्स को भूल जाइए, लास्ट के जो ये तीन डिजिट्स हैं इनको भूल जाइए। अब 110 है, 110 से पहले, 110 से पहले कौन सा परफेक्ट क्यूब नंबर है? 110 से पहले है 64, 64, तो 64 किसका क्यूब है? 4 का। 110 से पहले जो परफेक्ट क्यूब है वो है आपका 64, और 64 किसका क्यूब है? 4 का। तो ये हमारा आ गया आंसर, यानी कि मैं इसको कह सकता हूं कि ये 48 का क्यूब है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए ये नंबर लिया मैंने 46656। ठीक है, लास्ट डिजिट क्या है इसकी? 6 है, और 6 किससे आता है? 6 से ही आता है, तो यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आ जाएगा क्यूब रूट का? 6 आ जाएगा। तीन डिजिट्स को भूल जाइए, तीन डिजिट्स को भूल जाइए। 46 से पहले कौन सा नंबर है परफेक्ट क्यूब? 27, और 27 किसका होता है? 3 का। तो ये आ गया 36, यानी कि ये नंबर किसका क्यूब है? 36 का क्यूब। एक नंबर और लेते हैं, ये नंबर लेते हैं, देखिए ये नंबर में लास्ट में 7, 7 किससे आता है? 73 से आता है, मैंने आपको बताया था 73 से आता है, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया? 3। लास्ट के तीन डिजिट को भूल जाइए, ठीक है 148। 148 से पहले परफेक्ट क्यूब कौन सा है? 125 है, 125 किसका होता है? 5 का। 53, यानी कि ये किसका क्यूब है? 53 का क्यूब। ठीक है, चलिए दो नंबर और लिए मैंने, ये भी थोड़े से बड़े नंबर लिए, देखिए इसका क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट है हमारे पास 9, 9 हमारा 9 से ही आता है आपको पता है, तो यूनिट डिजिट देख के यहां पे तो 9 ही आना है। फिर तीन नंबर, लास्ट के तीन डिजिट्स को आप भूल जाइए, 704। इससे पहले परफेक्ट क्यूब कौन सा है? 512। 512 किसका होता है? 8 का। ये आ गया इसका क्यूब रूट, यानी कि ये 89 का क्यूब है ये नंबर। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन में देखिए 8 है, 8 किससे आता है? 2 से, मैंने आपको ही बताया 8 किससे आता है? 2 से। ठीक है, और लास्ट के तीन डिजिट्स को भूल जाइए, 373। इससे पहले परफेक्ट क्यूब कौन सा है? 373 से पहले जो परफेक्ट क्यूब है वो हमारे पास है 343, जो कि होता है 7 का। तो ये आ गया 72, तो ये आ गया 72 का क्यूब। ठीक है, तो
तो ये ट्रिक थी हमारी आज की, आज के लिए इतना काफी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, कमेंट भी करें। थैंक यू।